हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड कीर्ति एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. सो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट के कुछ टॉपिक्स देखे हैं, तो आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमें डायरेक्शंस पता चलती है. अब देखते हैं कैसे. Fleming's left hand rule states that if the left hand is stretched in a way that the index finger, the middle finger and the thumb are in mutually perpendicular direction, then the index finger and the middle finger of a stretched left hand shows the direction of magnetic field and the direction of electric current respectively, and the thumb shows the direction of motion or the force acting on the conductor. मीन्स टू से दैट फ्लेमिंग्स ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया था. फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने लेफ्ट हैंड रूल बनाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से रखें कि जो थंब है और इंडेक्स फिंगर है और जो थर्ड फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड द थंब, अगर उनको इस तरीके से रखें कि वो एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस टाइप से रखना है कि एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर हो, जैसे इसमें दे रखा है. उसके बाद फिर क्या होगा कि जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी. जिस तरफ इंडेक्स फिंगर होगी, मतलब वो बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जिस तरफ होगी आपकी मिडल फिंगर वो बताएगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, और थंब बताएगा मोशन या फिर फोर्स जो एक्ट हो रहा है कंडक्टर के ऊपर, उसके बारे में बताएगा. देखो इसको एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं कैसे. सपोज हमें पता है कि जो मोशन है, एक्ट हो रहा है जो मोशन, तो वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है जिस डायरेक्शन में थंब दिखाया गया है. तो अपने थंब को उसी डायरेक्शन में कर लो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिसमें फोर्स एक्ट हो रहा है कंडक्टर की तरफ जिस डायरेक्शन में. और फिर जो आपकी रेस्ट टू फिंगर्स हैं उनको परपेंडिकुलरली ओपन करो. तो अगर सपोज इस डायरेक्शन में मोशन जो है फ्लो हो रहा है, तो इस टाइप, इस तरफ हमने अपना थंब किया, तो हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को हमें परपेंडिकुलरली ओपन करना है. तो जब वो ओपन हो जाएगी, तो जिस तरफ आपकी वो इंडेक्स फिंगर जाएगी वो तो बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, एंड जो सेकंड है, जो आपकी मिडल फिंगर है, वो जिस तरफ जाएगी वो बताएगी करंट की डायरेक्शन को. तो ऐसे अगर हमें एक चीज़ पता हो, तो हमने लेफ्ट हैंड से हम करंट की डायरेक्शन या फिर मोशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं. जैसे कि इन्होंने ओपन करा फिंगर, तो देखो ये बता रही है फोर्स. सपोज इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऐसे वो ओपन हो जाएगा थंब हमारा, एंड उसके बाद ऊपर की तरफ हमारी जो इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है वो हमें परपेंडिकुलरली ओपन करनी है, तो अपने आप बता देगी जिस तरफ हमारी जो है इंडेक्स फिंगर जाएगी वो बता देगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जिस तरफ हमारी मिडल फिंगर होगी वो बताएगी करंट की डायरेक्शन को. सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आगे यूज़ होगा क्वेश्चंस में. नाउ कम टू दैट नेक्स्ट टॉपिक. आई होप मैंने पिछली वीडियोस में और इस वीडियो में भी जितने भी टॉपिक्स बताए हैं आपको क्लियर हो रहे होंगे. अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. तो वो अपने दूसरे टॉपिक को देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए इसको देखते हैं. एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मे बी इट कैन कम कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है. तो आप क्या कहोगे कि एक रोटेटिंग डिवाइस है, या फिर आ सकता है कि इन विच थिंग इलेक्ट्रिक मोटर हेल्प्स. तो ये रोटेट करने में हेल्प करता है. किस चीज़ में हेल्प करता है? रोटेट करने में. और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मतलब लॉज हैं, तो पढ़ते हैं. फर्स्ट इज, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स व्हिच रोटेट इज कंटिन्यूअसली.
इसका मतलब ये है कि देखो, ये जो दो मैग्नेट दिखाए गए हैं यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल के साथ, दो मैग्नेट हैं यहाँ पे, तो जब हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, मीन्स मैग्नेट के पास, जहाँ पे मैग्नेट हो, जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स एक्सप्रेस हो सके, एग्जर्ट हो सके, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो जब हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हैं, तो इस कॉइल पर जो है फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मीन्स मैग्नेट इस पर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली रोटेट होना स्टार्ट कर देता है और जो मोटर है वो अपना वर्क करती है। अब ये फोर्स कैसे लगा, मीन्स कैसे ये रोटेट होता है, ये सब हमें पढ़ना है अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ये मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल क्या होती है कि जब रेक्टेंगुलर कॉइल में हम करंट पास कराते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूसली। लेट्स मूव ऑन। तो अब देखो, जब ये रोटेट करेगा, रोटेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाई है, वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ दैट व्हेन समथिंग इज़ इन मोशन देन इट प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब हमें देखना है कि रोटेट कैसे होता है। सो यहाँ पे दो मैग्नेट दिखाए गए हैं, इस वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल आगे है एंड साउथ पोल पीछे है, एंड इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल आगे है, नॉर्थ पोल पीछे है, और ये है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हमने अभी डिस्कस किया है, एंड ये है यहाँ पे दिस वन, ये जो आप रेड रेड सा देख सकते हो, दिस वन, दिस इज ब्रशेस, ये होते हैं ब्रशेस जो इसको कॉइल को और इस सर्किट को मतलब मोटर को इससे कनेक्ट करके रखते हैं, दीज आर ब्रशेस। एंड ये है स्प्लिट रिंग्स, ये जो है ना, ये ऐसे देख सकते हो आप, ये स्प्लिट रिंग्स है, दो स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, मतलब जैसे रिंग होती है, एक रिंग को तोड़ देते हैं ना तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही स्प्लिट रिंग्स है, आधी यहाँ पे मतलब रिंग, आधी रिंग ये है, दीज आर स्प्लिट रिंग्स। तो अब हमने इस मोटर को कनेक्ट किससे कर दिया, एक सर्किट से, ये बैटरी है, ये की है, हमने स्विच ऑन किया, तो करंट कैसे फ्लो होता है, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे फ्लो होगा एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा करंट, यहाँ ब्रशेज स्प्लिट रिंग से कनेक्ट है, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा फिर सीधा करंट, फिर यहाँ पे एक्स से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, बी से सी, एंड सी से डी, एंड डी से फिर वाई, एंड फिर ऐसे ऐसे ऐसे, एंड करंट वापस वहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही करंट फ्लो होता रहेगा। तो मतलब हमें करंट की डायरेक्शन पता चल गई ना, कि करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है। अब हमें पता करना है कि मोशन की डायरेक्शन क्या है, मोशन की डायरेक्शन क्या है, तो उस वो पता करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। अब देखो, हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पता है, और करंट की डायरेक्शन कौन डिनोट करता है, मिडल फिंगर। करंट की डायरेक्शन कौन डिनोट करता है, मिडल फिंगर। अब हमने हैंड को कुछ इस टाइप से रखना है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमें पता चला है कि